नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। सियासी सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ अपने सियासी सफर की चर्चा करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों निषादों की चर्चा हो रही है, लेकिन ये बिड़ले लोगों को ही पता होगा कि आखिर निषाद पार्टी की शुरुआत कैसे हुई। डॉक्टर संजय निषाद, जो आज से 5 या 10 साल पहले जिनका क्षेत्रफल गोरखपुर तक था, आज वो पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। गृह मंत्री के मतलब जब भी आते हैं मुलाकात पे मुलाकात हो रही है। एक गंभीर सवाल और जानकारी वाला सवाल हमें मतलब है जवाब चाहिए कि आखिर निषाद पार्टी की शुरुआत कैसे हुई। आप तो बहुजन समाज पार्टी से आप धीरे धीरे राजनीति की शुरुआत कर रहे थे, तो निषाद पार्टी आपने क्यों बनाई और मंशा क्या रही इसके पीछे बनाने की? देखो, मैं तो पहले आपको चैनल को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि कम से कम ये जो मछुआ समुदाय है जो इस देश को आज़ाद कराया था, कभी राम को पार उतारा था, अंग्रेजों और मुगलों को मौत के घाट उतारा था और कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा था, उन्हें बसाने के लिए संविधान में जगह है। इनके पास 2 जून की रोटी नहीं, मकान नहीं, कपड़े नहीं, उसकी आवाज़ आज आपकी चैनल बन रहा। रहा कि पार्टी बनाने की जो मंशा है, मंशा एकदम क्लियर है कि इस देश को जब आज़ाद कराया निषादों ने तो संविधान बना। संविधान समस्याओं का समाधान है, उसका गेट पास वोटर के पास है, वो असली भगवान वोटर है। लेकिन जिसने इस देश को आज़ाद कराया, संविधान में मझवार गौड़ तुरैया खरवार बजार खरोड़ कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा था और वो सूचीबद्ध किया गया। लेकिन अंग्रेजों ने 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया और उसमें इन्होंने लिखा कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, वकील का बेटा वकील होता, ये बदमाश जाति हैं, इन्हें कानून बना के उजाड़ दिया। अब हम क्रिमिनल कास्ट हो गए, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन वो काना कानून नहीं है। पहला चुनाव हमारे लोगों को जेलों में बंद करके हुआ था और जिन लोगों ने संविधान के पन्ने पर कब्जा किया वो पूरे हिस्से पर कब्जा कर लिया। जब मैं पेशे से चिकित्सक था, ऐसी पीरियड में ढेर सारे बच्चों को पढ़ाई कराता था और उन्हें भी कोचिंग कराया, तो पता चला कि उसमें एक लेदरमैन कम्युनिटी है, उसका बेटा अगर 0 नंबर पा रहा तभी हीरो हो जा रहा, वो पास हो जा रहा और बाकी बच्चे पास हो रहे हैं, मेरिट ला रहे हैं लेकिन नहीं हो रहे हैं। तो उसमें पता ये चला कि इनके प्रमाण पत्र जो है मझवार के थे खारिज हो जाते थे, जिनका मझवार लिखा था उनके बेटे का मझवार नहीं बन रहा था। ऐसे तमाम अधिकारी हजारों थे जो सैकड़ों की, वो उनके बच्चे जो है मझवार, उनके बाप मझवार के नाम से अधिकारी थे, बच्चों का पिछड़ी में नाम हो गया, केवट मल्ला में डाल दिया। तो ये विसंगति देखने में पता चला कि इनकी ज़मीनें, इनकी नौकरी लूटी जा रही है। हाथी आती है और साइकिल आती है, अदल बदल के गुस्से में कभी हाथी लाते हैं कभी साइकिल लाते हैं, साइकिल वाले पिछड़ी से निकालते हैं और हाथी वाले उसको स्टे लगाते हैं और पता चला इसी लटका के इनकी नौकरी लूटी जा रही है। ऐसे पीरियड में हमारे एक क्षेत्र के जमुना निषाद माननीय मंत्री थे और वो निषादों के एक लौह पुरुष कहे जाते थे, बड़ी लड़ाई लड़ते थे, कई जिलों में दौड़ते थे। लेकिन एक हमारी बिरादरी की बेटी की इज्जत लूटी गई और उसमें वो बचाने गए और हाँ, उनसे पहले गोली चल गई और बहन जी के समय था, उन्हें जेल भिजवा दिया। जेल भिजवाने के बाद जमानत नहीं हुई, निकाले गए, ख़त्म कर दिया गया। तो ये पता चला हमारे बिरादरी में तमाम जो नेता कोई भी हक हिस्सा के लिए लड़ाई लड़ता है, चाहे यमुना निषाद हो, चाहे फूलन देवी हो, महेंद्र सिंह राजपूत हो, धनीराम वर्मा हो, रघुबर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप हो, जोरी बिंद हो, ये सारे लोग, सारे नेता ही मारे जा रहे हैं। तो पता चला कि साला कोई भी नेता इसे कौन आएगा, आगे मार जा रहे हैं। तो मैंने तो उस समय हम लोग बाम सेप में, हम लोग कभी बसपा में नहीं रहे हैं, बाम सेप में मानवर कांसी राम को देखा कि भाई, उन्होंने कहा कि भैया देखो, एक ये संविधान समस्याओं का समाधान है, इसका गेट पास वोटर के पास है और वोटर पॉलिटिकली बेहोश है, ये पौआ पर पिला के बेहोश है, धर्म से बेहोश है, गरीबी लाचारी से बेहोश है और इसका वोट क्यों ले लेता है। तो उन्होंने कहा अपने लोगों को, भाई जब तक सर पर पंजा टोपी रहेगा, 2 पंजा इधर से 2 पंजा इधर से खाओगे और जब पंजा बटन दबाओगे, पंजाब वो मत पत्र नहीं है, नियुक्ति पत्र है, और जब आप पंजे पर मोहर मारते हो तो पंजा वाले का बेटा नियुक्त हो जाता है दरोगा, एसपी, आईजी, डीआईजी, वो कलम चलाता है और बजट पर कब्जा जमाता, नौकरी लिखता है। तो अगर आप उस पर अपनी पार्टी का बटन दबाओगे, मोहर मार दोगे, तो तुम्हारा बेटा नियुक्त होने लगेगा। तो दलित दलदल में थे बेचारे, वो उनको जगाया, उनको बताया और पॉलिटिकली ट्रेनिंग दिया कि पॉलिटिकली अनट्रेन लोग थे तो उनकी माँ के कोख से जो हरवा पैदा होते थे और जैसे वो पॉलिटिकली ट्रेंड हो गए, अब उनकी माँ के कोख से देखो जब आरक्षण लागू हो गया तो आज हाकिम पैदा हो रहा है। तो उसी बेस पर हमने सोचा
कि भाई ये झगुआ भर वोट हैं, इनकी संख्या 18% है, पढ़ना शुरू किया, पता चला इनके ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित हो गया, ढेर सारा ये 578 जातियों में बट गए, फिर इनके लिए भाई निषाद राज का किला पता चला। हमने कहा जब कहते हैं कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है, और सोच से संगठन बनता, संगठन से शक्ति बनती है, शक्ति से सत्ता में परिवर्तन होता है। तो मैं इनको जोड़ना शुरू किया, इनको बताना शुरू किया कि भैया ये पौआ नहीं, पार्टी के लिए भी लगाओ और अपने बच्चों को भविष्य बनाओ। तो ये पार्टी के लिए दीवाना हुआ है, निषाद राज के लिए, पर मैंने ले गया बता रहे तुम्हारा जो खून है वो रूलिंग कास्ट है, तुम्हारे पुरखे जो है कानून बनाते थे, और तुम्हारे पुरखे शिकारी थे, शिकार नहीं थे, तुम कहें शिकार हो रहे हो, और शिकारी तब तक दाना डालता है जब तक शिकार फंस न जाए, और फंसने के बाद हलाल कर देता, सारी पार्टियां तुम्हें दाना डाल डाल के वोट ले लेती हैं, और जब जाल में फंस जाते हो तुम हलाल हो जाते हो। तो उन्होंने कहा भैया अब क्या करना होगा, हमने कहा भैया देखो वो मत पत्र पर मोहर मार दिया, नियुक्ति पत्र पा गया, तब अब तो मत पत्र है नहीं, वो बटन है, ईवीएम मशीन है, ई फॉर इम्प्लाई, वी फॉर बिलाई, एम फॉर मनी, ये देखो जो जिसका भी बटन उसमें है, ईमानदारी से हाथी दबाओगे हाथी वाले हीरो तुम जीरो हो रहे हो, साइकिल दबाओगे साइकिल वाले हीरो तुम जीरो हो रहे हो, तुम अगर अपना बटन दबाओगे तो हो जाओ। मैंने इन्हें बताया कि भाई देखो जय भीम बोलने से तुम्हारे नेता को पाँव में जाना पड़ता बहन जी के, और तुम्हारा समाज ही पाँव में चला जाता है, और तुम्हारे पुरखे कभी पावर में थे, जय समाजवाद बोलते हो अखिलेश जी के पाँव में चले जाते हो, मुलायम सिंह के, और तुम्हारा समाज भी चला जाता है। अगर तुम जय निषाद राज बोलोगे तो कोई नहीं, सीधे तुम पावर में जाओगे, और उसका जीता राखता उदाहरण डॉक्टर साहब हैं आज के दिन में। तो हमारे समाज के लोग अपने पावर के लिए, पौआ नहीं पैसे के लिए नहीं, उन्होंने कहा अब हमें पौआ पैसा नहीं चाहिए, अब हमें पावर चाहिए, और पावर के लिए निषाद पार्टी खड़ा कर दिया, मेरा साथ दिया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। 2017 में आप लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़े, एक में कामयाबी मिली, लेकिन जो निषाद पार्टी की जो या डॉक्टर संजय निषाद की जो पहली बार लोगों ने देखा जब गोरखपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जाकर के आपको जीत मिली और आपके बेटे जो है सांसद बने, लेकिन सवाल वह नहीं है, सवाल यह है कि उस समय आप खुद भी चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि उसके पहले आपने गोरखपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो आपने अपने बेटे को लोकसभा क्यों लड़ाया, आप खुद क्यों नहीं लड़े? देखो नायक जो होता है वो नायक होता है, पायलट होता है ना, हम अपने पार्टी के पायलट हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर हम लड़ते तो केवल निषाद भर वोट पाते, साइकिल का वोट और मुसलमान क्यों हमें देता, और अगर हमें अगर लड़ना होता तो हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटना पड़ता, उनका सदस्यता लेना पड़ता, और प्लस अभी उस लायक कोई नहीं था मेरे सामने लड़ने के लिए, हम छोटे आदमी से क्यों लड़ने जाएं। तो ये तय हो गया कि जब कोई बड़ा आएगा तो देखा जाएगा, और कोई छोटा आएगा तो उसे सामने लड़ा बेटे को लड़ा दिया जाएगा। तय हो गया कि भैया इंजीनियर पुनिषाद ही काफ़ी हैं, और चूँकि किसी भी आदमी को जीतने के लिए कैंडिडेट को उसे प्रोफाइल चाहिए, उसे पोजिशन चाहिए, उसे पार्टी चाहिए, उसे पब्लिसिटी चाहिए, तो एक प्रोफाइल है राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं, इंजीनियर हैं, और मेरे साथ अनुभवी हैं लंबे समय से, और सारे कार्यकर्ता उन्हें जानते हैं, क्षेत्र की जनता भी जानती है उनके मेरे साथ चलने से, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो लड़े चाहे हम लड़े, वो लड़ेंगे तो दूसरा पहले बात तो युवाओं हैं, हम बुजुर्ग हैं तो हमको बुजुर्ग ज़्यादा पसंद करेंगे, युवा कहाँ पसंद करेगा, अगर वो लड़ेंगे तो युवा तो पूरा देगा ही, अब बुजुर्ग हमारे वजह से दे देगा, प्लस और नई पीढ़ी के लिए कुछ राजनीति में सारे लोग नाराज सब संतुष्ट नहीं रहते हैं, कोई भी पार्टी हो, कोई समाज हो, कोई नेता हो, 10-15-20% जरूर असंतुष्ट या निष्क्रिय या उदासीन हो जाते हैं या गुमराह हो जाते हैं। तो उसमें ये भी एक रणनीति कि इंजीनियर प्रसाद लड़ेंगे तो जो मेरे नाराज लोग हैं, गुमराह लोग हैं, उदासीन लोग हैं, वो भी कहेंगे अरे यार डॉक्टर साहब से नाराजी है ना, लेकिन बेटे से उतना नाराजगी नहीं है, वो लोग भी आराम से दे देंगे। तो ये कई रणनीतियाँ कई नीतियाँ थी जिसके वजह से उन्हें लड़ाया गया, और जीत भाई लड़ना जरूरी नहीं था, जीत जरूरी था, तो जीत के समीकरण में इंजीनियर प्रसाद सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहे थे, इसलिए उन्हें लड़ाएगा और जिताएगा। साइकिल की सवारी भी निषाद पार्टी ने कर ली, अब कमल के फूल पर सवार है, तो डॉक्टर साहब हर जगह जाके हर जगह का आनंद लेते हैं, संतुष्टि कहाँ मिल रही है? देखो साइकिल पर सवार नहीं, ये तो तय था कि कैंडिडेट निषाद पार्टी का होगा, कैंडिडेट निषाद पार्टी का होगा, सिंबल समाजवादी पार्टी का होगा, आखिर हमारा ही कैंडिडेट, मेरा ही सिंबल होगा, मेरा ही कैंडिडेट होगा तो सपा क्यों देगी, बसपा क्यों देगी? वहाँ न तो वो सपा के देखिए कहने के लिए बसपा ने भी वोट दिया,
निषाद पार्टी ने भी वोट दिया, पीस पार्टी ने भी दिया, तो उनको वहाँ कहाँ साइकिल हो गए, वो तो सिंबल साइकिल का हुआ लेकिन एक गठबंधन का वो सिंबल हुआ। इंजीनियर प्रवीण निषाद न सपा के ना निषाद पार्टी के, वो एक सिंबल एक संयुक्त उम्मीदवार थे। और ये लेबी लगाना कि सपा के हैं, तो अगर सपा के सिंबल से वो लड़े तो सपा के तो इससे पहले भी लड़ते थे, सपा के इसके 2019 में भी लड़े, तो अगर सपा के पास वोट बैंक होता तो जीत जाते ना। तो वो वोट बैंक वो कॉमन वोट बैंक था, वो निषाद पार्टी और निषादों के वोट की देन थी जो इंजीनियर प्रमुख साहब जीते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना, हम कहते हैं कि आज के दिन में सभी को हमने वोट दिया है 70 साल से, कांग्रेस को भी दिया, सपा को बसपा को भी दिया, तो मैंने पहली बार है कि सपा और बसपा से वोट लिया इंजीनियर प्रवीण निषाद के नाम पर। हमको तो 403 पर दिया है ना, हमको तो 403 पर 30 साल से दिया है सपा बसपा को वोट। मैंने तो केवल एक बार लिया 2018 में सपा और बसपा से वोट। भारतीय जनता पार्टी को तो हम लोग 70 साल से वोट दे रहे हैं, तो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ना वो भी एक रणनीति थी आज के दिन में, क्योंकि हमने तो नहीं, सपा ने धोखा दिया, बहन जी ने धोखा दिया, उस गठबंधन में दोनों लोग इकट्ठे हो गए, हम लोग मारने में मर गए। भाई एक ही सीट था, उन्हें डिक्लेयर करना चाहिए ना, अपने पूरे परिवार का सीट डिक्लेयर कर रहे थे और वो नहीं किया। और हम लोग जो जीते थे, मान ली हम खराब थे, गोरखपुर इंजीनियर प्रवीण निषाद हमारे बेटे थे, लेकिन जो फूलपुर में मौर्या जी को हराया था वो नागेंद्र पटेल, उसका तो टिकट दे देते, दोनों मुख्यमंत्री को हराने वाले को नहीं दे दिया। इसके मतलब युवाओं का जगह नहीं है, जो नए इस उभरते कलाकार, उभरते सिस्टम और एकजुटता का परिचय हुआ 2018 में, सपा बसपा निषाद पार्टी पीस पार्टी इकट्ठी हो गई, तो एक करने का जो फार्मूला था कि जो एक एक झोरा वोट था उसे एक बोरा में भरा गया, तब जाके जीत सुनिश्चित हुई। तो फिर ये चूहे लग गए कि नहीं भाई काट दो, बोरा हट जाएगा, फिर एक एक झोरा में चले गए, तो बसपा अलग हो गए, सपा अलग हुए, निषाद पार्टी अलग हुए। तो ये चूहों को ख़त्म करना होगा, तो चूहा मार दवाई चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में आया कि सारे चूहे, जितने चूहे हैं, कि एक झगुआ भर वोट जो एक बोरा निषाद पार्टी का वोट है, कि उसको काटेंगे तो ख़त्म कर दें, उन्हें चूहा मार दवाई दे दो, ख़त्म हो जाएंगे। और एक बोरा वोट के नाते कांग्रेस देखो मर गई और सपा हाथी जो है बैठ गई और साइकिल पंचर हो गई। एक बोरा वोट के नाते भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ आए और मैं उसके साथ हूँ और 2022 की जीत सुनिश्चित करें। जहाँ से आपने सियासी सफ़र की अपने शुरुआत की, आपने बताया कि आप चिकित्सक थे, बाद में आप धीरे धीरे राजनीति की तरफ बढ़ते गए और अब विधान परिषद पहुँच गए हैं उच्च सदन में प्रदेश के, लगता है सफलता मिल गई? नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी शुरुआत है ना, ये एक सिंबल है कि जिस कभी तो हमारे पुरखे कानून बनाते थे सोने की चिड़िया थी, कभी निषाद राज राम की कैबिनेट में जब निषाद राज आए थे तब राम राज आया था, उसे कहते हैं कि सुखी का राज है, दुखी का राज नहीं है। अभी श्री राम का राज है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन निषाद राज के बिना अधूरा है, उसके लिए निषाद पार्टी काम कर रही है कि 2022 में एक ऐसी सरकार बने कि सभी जो, चूँकि निषाद राज और राम केवल अपने लोगों के राजा नहीं थे, सब जनता के राजा थे, तो सारी जनता को हिस्सा मिला। और ये MLC सर इसलिए कि जिस कानून से विधान मतलब कानून, परिषद मतलब एक बोर्ड है और सदस्य मतलब है, उस परिषद का सदस्य कभी हमारे पुरखे कलम चलाते थे सोने की चिड़िया थी, उसी परिषद में अंग्रेजों ने काला कानून बनाकर हमें उजाड़ा है, देश को बर्बाद किया है, उसमें बसपा ने बैठ के हमारे आरक्षण को रुकवाए हैं, बसपा ने हमारे तालघाट नदी रोजी रोटी छीना है, उसमें उसी जगह पर कानून बना बना के हमें उजाड़ा गया है। तो उस हम अपने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि जहाँ 2 जून की रोटी छीनी गई है जिस सदन में, और जहाँ से हमारे लोगों का हत्कार छीना गया, उस सदन में सड़क से सदन तक हमें पहुँचाने में जो हम आवाज़ बने थे गरीबों के लिए, उस आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी ने प्लेटफार्म दिया। ये विधान परिषद सदस्य तो ये एक अवसर है कि हम अपनी आवाज़ को वहाँ उठा सकें, और 2022 में सरकार आएगी और निश्चित रूप से निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और जितना मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। ये NDA लड़ रही है 2022 में, लक्ष्य निर्धारित किया उससे अधिक जीत जाएंगे, और 2022 में सरकार का अंग बन के इनका जिनके वादा किया गया है कि निर्बलों को भी सबल बनाने का काम किया जाएगा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने अपने बेटे को तो प्रवीण निषाद जी को लोकसभा पहुंचा दिया, 3 बेटे हैं आपके, बड़े वाले तो चलिए दिल्ली राम मनोहर लोहिया में सेट हैं, छोटे वाले को कहाँ सेट कर रहे हैं? नहीं देखो, राम मनोहर लोहिया वाले भी राजनीति में आए हैं, हमने लोगों का दिया उन्हें बता दिया कि भैया कि राज मतलब होता है पॉलिसी
छुपा हुआ नीति मतलब पॉलिसी होती है, ऐसी छुपी पॉलिसी जो हमें बर्बाद कर रही है, जो हमारे लोगों की रोजी रोटी नौकरी छीन रही है। तो बुद्धिमान लोगों की ज़रूरत है, जो कि हमारे समाज की बुद्धि छीन ली गई है। अगर हम आपको पढ़ाए, आपको डिक्टेंशन मार्क दिलाए हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाए हैं, तो अगर बुद्धिमान की श्रेणी में आप हो तो ये परिवार संघर्षों का परिवार बनाओ। मेरे घर का, मेरी बीवी आज के दिन में चुनरी चौपाल लगाती हैं, मेरे साथ चलती हैं, बहू हमारी चुनरी चौपाल लगाती हैं, कोई बेटे हमारे 24 घंटे काम करते हैं। ये संघर्षों का परिवार है, ये बेटे हमारे बेटे नहीं हैं, ये समाज के बेटे हैं। अभी इनके जैसे दर्जनों हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जब एक ही सीट आएगी और एक सीट आएगी तो अपना वकील तो भेजना पड़ेगा ना। और जो इस देश की चार अदालत है, एक राज्यसभा है, लोकसभा है, विधानसभा विधान परिषद है। आज के दिन में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि चारों जो अदालतें हैं, जहां से अन्याय होता था, जहां से ये पार्टियां हमारा ही वोट लेकर हमारे ऊपर अन्याय करती थी, वहां न्याय दिलाने के लिए 2018 लोकसभा में इंजीनियर पुण्य निषाद को अपना वकील भेज दिया, विधानसभा में विजय मिश्रा जी को अपना वकील भेज दिया, और विधान परिषद में डॉक्टर संजय को खुद भेजा। तो अनुभव इन लोगों को भेजा है। अभी हम अनुभव दिलवा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, उन्हें पढ़ा रहा हूँ, उन्हें ट्रेंड करा रहा हूँ। ट्रेंड जब जाएगा, ट्रेंड वकील जाएगा, तब जाके न्याय दिला पाएगा। 2022 में हमारे पार्टी के कई कार्यकर्ता जाएंगे और सदन में रहेंगे और आवाज़ उठाएंगे। सभी बेटे हैं और सभी लोग हमारे लोग हैं। भले अनुवांशिक हमारे जैविक पुत्र हैं, लेकिन अनुवांशिक पुत्र सारे कार्यकर्ता और सारे लोगों का दायित्व सबका हिस्सा बनता। अभी मिल के आए हैं अमित शाह जी से कि भैया हमें राज्यसभा भेज दिया, विधान परिषद भेज दिया, हमारे कार्यकर्ताओं को समायोजन करो, वो कार्यक्रम काम कर रहे हैं, 2022 में स्पीड से काम करें और उनके मुकदमे वापस करो, काम हो रहा है, वो हमारे बेटे हैं। तो इंजीनियर प्रवीण निषाद, सरवन जी और अमित जी, ये बेटे तो भले हमारे जैविक पुत्र हैं, लेकिन आज के दिन में वो सभी पार्टी और समाज के बेटे हैं और उसके साथ सभी कार्यकर्ता हैं। ऐसा आरोप नहीं लगा सकता इनको कहाँ सेट के। हम अपने समाज को सेट करेंगे और उनके समाज के, पहले उनका मकान बन जाए, उनका सब कुछ हो जाए। हम लोग वकील हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस ये है, पहले ये है। और थोड़ा दिक्कतें होती हैं कि 24 घंटे काम करते हैं तो जो नज़दीक होता है वो 24 घंटे काम करता। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो निषाद पार्टी का कारवां शुरू हुआ आगे और जाएगा। अभी आपने जैसे गिना भी दिया, विधान परिषद पहुंच गए, लोकसभा पहुंच गए, विधानसभा राज्यसभा का आपने हिंट भी दे दिया है। तो 22 के चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप मजबूती से लड़ेंगे और जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं ईश्वर उसे पूरा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोकसेवा न्यूज़।